हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आप देख रहे हैं मैथ्स बाय अवनी सर। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। और इस तरह का एक क्वेश्चन मैं और आपको करके दिखाऊंगा जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। फ्रेंड्स, इसमें दे रखा है एक पैटर्न दे रखा है, निम्नलिखित प्रारूप को समझिए, ठीक है। तो आपके सामने प्रारूप 11 × 11 1:1, ठीक है। 111 की गुणा ये है और इसकी गुणा ये है, ठीक है। तो ये पैटर्न दे रखा है कि भाई इसको पैटर्न को आप समझिए, ठीक है। आपको गुणा भाग के चक्कर में नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको प्रारूप को समझना है, देखना है, ठीक है। तो ये इसलिए आपको क्वेश्चन दिया गया है जिससे कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कॉमन सेंस आप चेक कर पाए टीचर का, ठीक है। तो कैलकुलेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं, बस देख के आप आंसर इसका निकालोगे। ये इस मकसद का क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिर देखिए इसमें करना कैसे है। यहाँ 11 है और 11 है, यहाँ तो 1:1 आया है, ठीक है। यहाँ 111 है और 111 से मल्टीप्लाई किया तो 1:2:3:2:1 आया है। यहाँ 4 बार 1 आया है, ठीक है। यहाँ भी 4 बार 1 आया है, तो गिनती पहुँची है 4 तक, 1, 2, 3, 4, ठीक है। यहाँ टोटल कितने थे? 4। तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4 तक जा रही है और फिर रिवर्स में जा रही है, 3, 2, 1 वापस उतर जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी 4 थे, ऐसे ही यहाँ 3 थे, यहाँ 3 थे, तो ये 3 मैक्सिमम तक जाएगा, 1, 2, 3, और फिर 3 से वापस सीक्वेंस में 3, 2, 1। ऐसे यहाँ 1, 1 दो बार था तो 1, 2 तक गया और 2 के बाद 1 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर हम ऐसे ही फॉलो करेंगे। ये 5, 6 दे रखे हैं, ठीक है। 6 × 1 लिखा हुआ है, यहाँ भी 6 × 1 है। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा उसमें क्या जाएगा, 6 तक जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उसके बाद वापस 5, 4, 3, 2, 1। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना था। ऑप्शन नंबर हमारा ये सी होगा जो करेक्ट आंसर होगा। तो ऑब्जर्व करा हमने, सिर्फ ऑब्जर्व करने से ही हमारा आंसर आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट है और उसको मैं सॉल्व करके बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, ये सी टेट जुलाई 2013 में पूछा गया क्वेश्चन था। इसको भी हम ऑब्जर्व करेंगे, सिर्फ देखने से ही आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ऊपर से आप ये भूल जाइए कि यहाँ लेफ्ट साइड में ये क्या दे रखा है, ठीक है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है। आप ये देखिए, ये पैटर्न फॉलो करिए कि भाई यहाँ वन था तो यहाँ 1 आया, ठीक है, यानी पहला, ठीक है। फिर 2 है तो यहाँ 1, 2 तक जा रहा है, यहाँ 3 है तो 1, 2, 3 तक जा रहा है, यहाँ 4 है तो लास्ट 1, 2, 3, 4 तक जा रहा है। उसने पूछा है 6 वाला, तो 6 में 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक जाएगा और ये आंसर होगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिर्फ ऑब्जर्व करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहली बात। बेल आइकन प्रेस करोगे तो ऑल वाला ऑप्शन दबाइए और वीडियो को व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो और क्या आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ठीक है, सीखना चाहते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।